कीर्ति, तुमने माँ से पूछ लिया था उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अरे नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। और उनसे पूछना क्या है, इस उम्र में उन्हें चाहिए क्या होगा, दो टाइम की रोटी और दो जोड़ी कपड़े। बात वो नहीं है, माँ इतने टाइम बाद गांव से आई हैं और कुछ दिनों बाद वापस चली जाएंगी। क्या पता उन्हें गांव के लिए कुछ चाहिए हो, कोई सामान मंगवाना हो, तो पूछ लेते एक बार। अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना अपनी माँ के लिए, तो जाके खुद पूछ लो। ठीक है, मैं पूछ लूँ। माँ, हम लोग बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, हम लेते हुए आएंगे। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो फिर मैं तुझे लिख कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि अपना सामान लाने के चक्कर में तू मेरी चीज लाना भूल जाए। रुक। इसमें लिख दिया जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं ले आऊंगा, चलो। देखा, मैंने कहा था ना, माँ को कुछ ना कुछ मंगाना होगा बाजार से। मैंने उन्हें थोड़ा फोर्स किया तो उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी। चलो वो सब तो ठीक है, जो भी सामान उन्होंने लिखा है वो ले लेंगे, पर सबसे पहले मैं अपना सामान लूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सामान ले लेना। वैसे जरा एक बार देखो तो सही कि तुम्हारी माँ ने लिस्ट में क्या लिखा है। क्या पता तुम्हारी दीदी और जीजू को भेजने के लिए कुछ बहुत सारा सामान लिखा हो। बेटा, मुझे बाजार से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के दो पल ले आना। ढलती हुई शाम हूं मैं अब, मुझे अंधेरे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ती हुई मौत को देखकर मैं जानती हूं कि इसे टाला नहीं जा सकता, पर मैं क्या करूं, अकेलेपन से बहुत मन घबराने लगा है मेरा। लव बेटा, जब तक मैं तेरे पास हूं, तेरे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास। क्या हुआ, तुम ऐसे रोने क्यों लगे, इतनी बड़ी क्या लिस्ट लिख दी मम्मी ने, दिखाओ मुझे। कुछ देर के लिए ही सही, मेरे इस बुढ़ापे का अकेलापन बांट लिया कर, बिन दीपक जलाए ही किसी दिन मेरे जीवन की शाम हो जाएगी। पता नहीं कितने साल हो गए तुझे छुए, तुझे प्यार किए बिना। मन करता है एक बार फिर से तू वही मेरा छोटा सा बच्चा बन, मेरी गोद में सर रखे और मैं अपनी ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। मेरे अपनों को अपने करीब देखकर झूम उठेगा मेरा दिल फिर से, और फिर अगर मौत भी आ गई ना तो हंसते हंसते मैं उसे गले लगा लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस भागदौड़ की जिंदगी में भूल गया था कि आपको भी तो समय देना है। मैं सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागता रहा, कभी ये सोचा ही नहीं कि ये पैसा कमाने के काबिल भी तो आप ही ने मुझे बनाया है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माँ। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए।